subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम अपने जमाने के इतने डेंजरस चाकू थे कि जो गब्बर सिंह नहीं था हैं, वो हमारा पोछा करने आता था। वैसे कहाँ सीखा? क्या? इतना लंबा लंबा फेंकना। अरे सुनो, तुम लोग अभी नए आए हो, पता नहीं तुम लोग को। खाना खाने गए होगे, भेड़ों का लाइन लगाई होगी। तो लगाई थी तो? तुमको नहीं भी लगा? कुछ लोग मार भगाओ दिए ना। तुम वहीं रहो का? वहाँ भेड़ों का लाइन में लग के खाना खाए हो। हमको यहाँ पुलिस वाला खुद खाना देने आएगा। ये है पौआ हमारा। तो आप इतने वीआईपी कैदी कैसे पकड़े गए? बेटा ये हमारी ससुराल है, आना जाना लगा रहता है। 5 बार सुरंग खोद के यहाँ भाग चुके हैं। यहाँ सुरंग खोदी ही नहीं जा सकती। कहीं नहीं खोदी जा सकती? क्योंकि ये दूसरा खंड है, यहाँ खोदोगे तो पहले खंड पे गिरोगे। अबे बकरी शकल के व्यक्ति, सुरंग नीचे खुदी है। लेकिन तुम तो यहाँ रही तो नीचे सुरंग कैसे खुद गई? अपने आप की चूहा लगा दू तीन। चूहा नहीं लगाया, वहाँ चेले चपाटे हैं मेरे काम करने के लिए। ये चेले तो पता है, पर चपाटे क्या होता है? चमाट जानते हो? हाँ चमाट तो जानते, बहुत अच्छे जानते, वो तो रोज का हमारा, पर चपाटे नहीं जानते। तो बेटा जब हमारा चमाटा पड़ता है ना, इस गाल में चमाटा पड़ता है, उस गाल में चपाटे का मीनिंग लिख के आ जाता अपने आप। वैसे डाकू भैया बुरा न मानना, जब हम स्कूल में थे तो हमारा एक चुटकुला बहुत चलता था कि जितने डाकू होते हैं वो सब जो है अपने जो डाकू शब्द है उसका उल्टा होते हैं। बेटा हमारा नाम है सुलेमानी झंटा, मार देंगे कंटा, उलर के फिरते बैठ जाओगे। चलो अच्छा हो, उलर के बैठ तो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उलर के तो बैठोगे ना तो सारे दांत जमीन बिखरे मिलेंगे और रीढ़ के अद्धी गुर्दन धसी मिलेगी। वाह चलो ठीक भैया, डर गए तुमसे, बहुत बहुत डर गए। अच्छा वैसे एक बात बताए, जब जेल आ रहे थे तो हमको लगा जेल में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन कितना मजा रहता जेल में, मजा ही आ गई है ना बाबा? अरे बस मजा ही मजा है, मौज लेते रहो, ज्ञान देते रहो। आप बाबा हो? कोई शक? तब तो गेट खोल लेते होगे। हम गेट भी खोल लेते हैं, हम पेट भी खोल लेते हैं। पेट कैसे खोल लेते? जैसे हिन्या कच्चा का कूला था। क्या नाक कच्चा? क्या हिन्या कच्चा? नाक कच्चा नहीं, बहिर्बुद्धि। मतलब क्या होता है? खाना वाला आया मुंह से जुबानी काल, खाना वाला आया मुंह से जुबानी काल, खाना वाला आया मुंह से जुबानी काल। मुहिम धर दो, कैसे जुबान निकाले? माफ करो भैया, जेल की रोटी खाओ, कैसे डरे? बहुत सही, धट तेरे की, खाने की बर्बादी हो गई। निकल लो ने, तुम्हारी बर्बादी कर देंगे यहीं पे। एकदम पगले का। अरे कोनो नवा आवा है? अरे हम लोग से वैसे भी का मतलब, हम लोग तो 6 महीने में छूट रहे हैं। हाँ छुट्टी होने वाली है, रेल का डिब्बा खाली है। वैसे हम अपना प्लान सेट कर लिए हैं, हम तो बाहर जाके अल्टो कार ले रहे हैं, हम हुंडई कार ले रहे हैं, हम फॉर्च्यूनर कार ले रहे हैं, हम फरारी कार ले रहे हैं। तुम बाबा तुम कौन सी कार ले रहे हो? हम डकार ले रहे हैं। अच्छा हमसे पूछे हुंडई कार काहे ले रहे हैं? काहे काहे की हुंडई कार में गुंडई कर अब आसान होता है। वैसे गुंडई तो सबसे ज्यादा बाबा किए होंगे है ना? मुटकाऊ हमसे ज्यादा गुंडई किए होंगे। मुटकाऊ किसको बोल रहे हो? तुमको बोल रहे हैं जो 50 किलो तोल लिए बैठा है। और तो 50 किलो तोल लिए बैठे तो तुम्हारे ऊपर थोड़ा बैठे। कम बोला करो,
नहीं तुम्हारा वाला डायलॉग तुम्हें धरेंगे। वक्त लगा के देखो इच्छा उठा के फेंकेंगे दीवार चीर के बाहर गिरोगे ही नहीं नहाते हुए। ए भैया हमको फेंक दो। ए भैया हमको फेंक दो। ये वाली दीवार की तरफ फेंकना, इसके बाद मैदान है ना, मतलब बाहर बाहर हो जाएंगे ना। है भैया ये वाली दीवार हमको बाहर फेंक दो। फेंक दो भैया, फेंक दे फेंक दे फेंक दे। चौंका रहना तुम्हें खाली बात है केवल, अब कुछ ना रहना। अकेले फेंकने फेंका बोलेगा मेरा नाम है सुलेमानी झंटा। वहां से हम घंटा पकड़े निकल पतली गली। खाना वाला आया मुझे जुबान मत निकाल। खाना वाला आया मुझे जुबान मत निकाल। सुर बेकार हो गया लेकिन जुबान मत निकाल। ये गाना तुम अगली बार तो नहीं गाओगे समझे? काहे ठीक है अच्छा ले अच्छा खाना खा। धक्त तेरे की खाने की बर्बादी हो गई। बर्बादी बम बनाना जाकू में फेंको जाके प्लेट भी फेंके जाके। हाँ तुम भी कूद जाना उसी में। ये कोई कह रहा था श्रीलंका भारत के नीचे है। हाँ तो अगर वो भारत के नीचे है तो यानी यहाँ से हम लोग सुरंग खोदे तो श्रीलंका में पहुँचेंगे। यहाँ सुरंग नहीं खोद सकती, ये दूसरा खंड है। लेकिन फिर भी अगर नीचे से खोदेंगे तो श्रीलंका पहुँचेंगे। हाँ श्रीलंका पहुँचेंगे। तब तो वीजा लेके जाना पड़ेगा सुरंग में। हाँ वीजा लेके जाना पड़ेगा। गलत क्या बता रहे हो? जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है ज्ञान बांटता है कि लोगों को बेवकूफ बनाता है? तो तुम बता दो ना तुम्हारे पास ज्यादा ज्ञान। अरे हमारे ज्ञान तो सबसे ज्यादा हमारे पास है। अरे हमारे पास ज्ञान हो या ना हो लेकिन हमने आज तक कभी किसी अज्ञानी की बेइज्जती नहीं की। अज्ञान पोका तो बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रहे हो उसी तरह से ज्ञान नहीं पोक रहे हो? भैया अगर आज एक बार भी हमने ज्ञान पोका होती यही धरती फट जाए, यही समाज है। फटी नहीं धरती है तुम्हारा पजामा थोड़ी तो कैस पड़ जाए। पजामे से याद आया कल हमने नीचे भूत देख लिया था तो हम फिर भागे बहुत तेज। ये बात तुमको पजामे से का याद आई? अरे अब समझ जाया करो। लेकिन जब भूत देखा भागे बहुत तेज। भूत अगर दिख जाएगा तुम भाग के कर क्या लोगे? तुम इधर भागोगे वो फिर चट्टा से उधर खड़ा हो जाएगा। तुम उधर भागोगे वो फिर चट्टा से उधर खड़ा हो जाएगा। कर क्या लोगे तुम भूत के सामने? कहने मतलब है जब भूत दिखे तो भागो नहीं भाई, पलटी माँ कटिया बिछा सो जाओ उसी के सामने। बस चले दो चार आदमी आओ बुला लो भाई, बुला हुआ करो। अगली बार इनका पकड़ ले जाओ वही के सामने कह दियो खड़ा। इधर देखो मटकाऊ यही गाड़ देंगे। गाड़ोगे कैसे जब ये दूसरा खंड है? 10 बार बता चुके आप। दूसरा खंड दूसरे खंड में पहले खंड में गिरोगे जाके। यहाँ सब लोग जो है कहते लात मार देंगे। लंदन गिरोगे जाके, समंदर पार गिरोगे जाके, मंगल ग्रह पे गिरोगे जाके। पहले खंड में गिरोगे जाके। हाँ तो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। दीवार चीर के बाहर फेंक देंगे कितनी प्रैक्टिकल बात है। उलट के बैठा देंगे रीढ़ की हड्डी गुर्दे में घुस जाएगी कितनी प्रैक्टिकल बात है। बड़े हैं प्रैक्टिकल बैठ कराती हन चंगा आदमी। ये प्रैक्टिकल कर लेते हम। गाना नहीं गा रहे खाली धुन गा रहे। नहीं तुम गाना भी गा लो, नाच भी लो, मुजरा भी कर लियो। अरे
खाना खा ले मुजरा कल कर। कहाँ गए हो? धट तेरे की, खाने की बर्बादी हो गई।